आ गया हूं ना वापस, तुम दोनों के लिए आया हूं। प्लीज अब हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, प्लीज अब्बू आपके बगैर नहीं रह सकते। वालेकुम अस्सलाम। तायमी, ये आदिल है, मेरे बहुत ही खास दोस्त। मर गई तुम मेरे लिए यहां से। इससे बोलो जाए यहां से, निकल जाए। जी जा रहा हूं, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहां रुकने का। रुकी आप लोग यहां कुएं के मेंढक बनकर। तुम भी ना। तो फिर आज हिम्मत करके। नहीं, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा, किसी को नहीं पता। फिजा भाभी से भी चुप की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ना। ये क्या बदतमीजी है, इतनी ऊंची आवाज में तुमने टीवी लगाया हुआ है। अरे जब देखो टीवी टीवी टीवी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम्हारा बनेगा क्या लड़की। जो भी होगा अम्मी जी, इस घर की औरतों से कहीं बेहतर होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन हमने भी यही सुना है बेटा कि बादशाहों की बेटियों ने भी शौहरों की गुलामी की है। पता नहीं आपने कहाँ से सुन लिया, जिंदगी भर तो आप अब्बा जी की कैद में रही हैं, टीवी भी शायद ही कभी देखा हो, फिर आपको कैसे पता कि बेटियों के साथ क्या होता है। बेटा तुम औलाद हो मेरी, और तुमसे पहले दुनिया में आई हूँ मैं, और तुम्हारे पैदा होने से पहले मेरी कैसी जिंदगी थी तुम्हें क्या पता बेटा। और तुम्हें याद दिला दूं, इस घर में आने से पहले मेरा भी एक घर था और मेरी भी एक जिंदगी थी। वो जिंदगी मैंने कैसे गुजारी तुम्हें क्या पता। ऐसे सोचने वाली बात है, अब्बा जी से शादी से पहले आपने कैसी जिंदगी गुजारी होगी। मैट्रिक तक स्कूल में पढ़ा है मैंने, हमारे घर में पर्दे कोई पाबंदी नहीं थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर स्कूल जाया करती थी, दुनिया को बहुत नजदीक से देखा है मैंने। लेकिन बेटा तुमने क्या देखा, जब से पैदा हुई हो इसी घर में बंद हो, बाहर तो कुछ भी नहीं देखा तुमने। बाहर भी जाती हो तो काले शीशों वाली गाड़ी में बैठकर का तो कुछ नजर ही नहीं आता। तुमने दुनिया कहां देखी है बेटा। अम्मी जी आप मैट्रिक तक पढ़ी हुई है, वो भी स्कूल में। अब्बा जी ने तो सातवीं जमात में ही मुझे स्कूल से उठा दिया, मैट्रिक और इंटर भी प्राइवेट करवाया। हालांकि आप जानती हैं मेरा दिल कितना मचलता था स्कूल कॉलेज जाने के लिए। हाँ बेटा, इस घर में तुम्हारे अब्बा का कानून चलता है और इसीलिए मैंने जहालत की चादर ओढ़ ली, अपने बच्चों को सही और गलत कहने का हक न रख सकूं, और उस हक को हासिल करने के लिए किसी से लड़ ना सकूं, तो क्या फायदा ऐसी तालीम हासिल करने का। अम्मी जी आपकी खामोशी ने तो अब्बा जी को शेर बना दिया, अगर आप पहले हिम्मत पैदा कर लेती तो इस घर की औरतों को चक्की में ना पिसना पड़ता, और अब तो ये एक रिवायत बन चुकी है, पता नहीं कोई इसे तोड़ पाएगा भी या नहीं। ये सब कहने की बात है बेटा, जब बंदा खुद ऐसे हालात का सामना करता है ना, तब उसे एहसास होता है कि वो किसी से कितना लड़ सकता है और क्या कर सकता है। अच्छा चलो छोड़ो, ये बहस बहुत लंबी है, तुम जल्दी से किचन में आ जाओ, तुम्हारे अब्बा कह कर गए हैं कि आज तुम्हारे हाथ की रोटियां खाएंगे। रोटियां, वो भी मेरे हाथ की। मम्मी जी आप जानती है ना मुझे रोटियां बनानी नहीं आती। इसलिए वो कह के गए हैं कि निमरा से रोटियां पकवाया करो रात की, ताकि उसे पकानी आ जाए। अच्छा मैं किचन में जा रही हूँ, तुम आ जाओ जल्दी से। अम्मी जी मुझे रोटियां नहीं बनानी आती। वालेकुम सलाम जी। तेरा बेटा वो आया अस्पताल? जी वो आया, और शबीर अंकल को मैंने आपको सलाम किया। ये मेरा छोटा बेटा आदिल है। जबार साहब आप तो इनके बड़े भाई लगते हैं, माशाल्लाह जितने आप खूबसूरत हैं उतने आपके बेटे भी। हमारे अब्बा जी की बात ही अलग है, हमारे अब्बा जी हैं ही इतने अच्छे। आपने इनकी तारीफ गलत नहीं की है, इनका रोब दबदबा, इनका पहनावा इनको तमाम शख्सियतों से मुनफरिद कर देता है। क्या बात है आदिल, बड़ी मक्खन पॉलिश हो रही है। ये बात नहीं है बेटा, आदिल तो हमेशा मेरी तारीफ ही करता है,
तुम नहीं करते क्योंकि तुम तो कंजूस हो। बात कंजूसी की नहीं है अब्बाजी, दरअसल भैया चाहते नहीं है कि उनसे ज्यादा नंबर किसी को मिल जाए। चल चल अब ज्यादा बकवास न कर। आरिफ, आदिल तो आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, लगता है इसको तो गुस्सा आता ही नहीं है। और आप भी गुस्सा थोड़ा कम किया करो, फिर देखना आपके नंबर भी ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा आपको जो भी ऑर्डर करना है आप आरिफ को बता दें, हम जरा अपना काम करें। हाँ बेटा। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही अब्बा जी की तारीफ हो रही थी और हम अचानक से खराब हो गए। अम्मा अच्छा ये पानी तो पिए ना, थोड़ा सा प्लीज एक सिप ले लें। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप जानते हैं हमारी जिंदगी सिर्फ आपके और अब्बू के गिर्द घूमती है। आप दोनों को जरा भी तकलीफ हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। जानती हूँ बेटा, लेकिन एक अजीब सी शर्मिंदगी है जो खत्म ही नहीं हो पा रही। और नोमी जिसको मैंने जन्म दिया और उसकी रगों में तुम्हारे ताया का खून है, जिसने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, सबसे मोहब्बत किया सबसे, और उनके बरक्स नोमी ने अपने बाप जैसे चचा को इतनी ठेस पहुंचाई है बेटा। भाई अम्मा भूल जाए प्लीज, सब भूल जाए। अल्लाह ताला जो भी करता है अच्छे के लिए करता। कैसे भूल जाऊं बेटा, मैं इस बात के लिए नोमी को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। आज के बाद मेरा सिर्फ एक बेटा है सल्लू और दो बेटियां, नोमी मेरे लिए मर चुका है वो मेरे लिए। ऐसे ना कहे भाई अम्मा, वो आपकी सगी औलाद है, अब हमारी वजह से उससे रिश्ता ना तोड़े। तुम्हारे ताया और शब्बीर भाई ने कभी अपनी औलादों में फर्क नहीं रखा था, ये मेरा खानदान है और इस खानदान से नाता नोमी ने तोड़ा है। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। अरे माँ अल्लाह आपको और अबू को हमारे साथ में हमेशा सलामत रखे। बस ठीक। वो आसिया शब्बीर कल अस्पताल से घर आएगा तो उसकी अयादत को जाना है। जी जी। क्या तुझे भी साथ चलना होगा? जी। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कल ही शादी की बात भी छेड़ दूँ और ऐसे मौके पर औरतों का होना बहुत जरूरी है। जी। फ्रूट और मिठाई के टोकरे भी साथ ले जाएंगे। अगर आप बुरा ना बनाए तो एक बात कहो। आपका मकसद उनकी आयादत है, अगर आप मिठाई लेकर गए तो कहीं वो ये ना समझे कि आपका मकसद कुछ और है और आदत एक बहाना। वाह आज जिंदगी में पहली बार तूने अकल की बात की है।
सुना तुम जा रहे हो? जैसे ही सीट कंफर्म हो जाती है। तो मत करवाओ ना कंफर्म। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी सीट मत कंफर्म करवाओ, कुछ दिन और रुक जाओ। मगर क्यों? फिक्र मत करो, तुम्हें शादी नहीं करनी पड़ेगी मुझसे। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं। तुम्हें मुझसे शादी के लिए नहीं, बल्कि मेरी शादी तक रुकना होगा। क्या मतलब? ये कि अबू के घर आते ही मेरी शादी हो जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी शादी? हाँ, मेरी शादी। उस दिन हॉस्पिटल में देखा होगा ना आदिल को तुमने। दिलो जान से प्यार करता है मुझसे, और अबू भी यही चाहते हैं कि जल्द अज जल्द मेरी शादी के फर्ज से फारिग हो जाए। तो मैंने सोचा कर लेती हूँ शादी, और वैसे भी रुखसती के वक्त बड़े भाई का होना जरूरी है ना। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ नोमी। तुम्हें अपने बारे में बहुत गलत फहमी है ना। तुम सोचते होगे कि मैं तुम्हारे पीछे मरती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी ये गलत फहमी दूर कर लो। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी पे मरने की, मरते तो लोग मुझ पर हैं। अगर ताईजा ने तुमसे शादी के लिए मुझसे पूछा होता तो मैं साफ इनकार कर देती, क्योंकि मुझे हमेशा से आदिल पसंद है और उसको मैं बेहद मोहब्बत करते हैं हम लोग एक दूसरे से। तुम हो गए अमेरिका के राजा इंदर, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। अलबत्ता मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त जरूर समझती थी, मगर अब नहीं, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे अब्बू को गहरा सदमा पहुंचा है। और जिस शख्स की वजह से मेरे अब्बू को इतनी तकलीफ पहुंची हो ना, उसको मैं कभी माफ नहीं कर सकती, समझे तुम? अब यार मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि उसका रवैया मुझसे बदल कैसे गया, पर जो भी है मेरी मुराद तो पूरी होगी ना, मुझे और क्या चाहिए। यार वैसे बड़ा लकी है तू। ये बता अपना बैंड बाजा बारात कब बजा रहा है? बहुत जल्दी अब्बा जी, बस एक दो दिन में जाने वाले हैं उसके घर पर रिश्ता लेके। बस उसके वालिद साहब जो हैं वो अस्पताल से आ जाए तो ये काम भी हो जाए। मगर यार तू जानता है ना कि उसे तालीम याफ्ता लड़के पसंद है, और ये बात शब्बीर अंकल पापा कई दफा बता चुके हैं, और उन्होंने वैसे भी बोला है कि अगर अलीजा के लिए कोई अच्छा लड़का पढ़ा लिखा हो तो उन्हें बताओ। देख मेरा भाई, तो अपने नाजुक दिमाग पे इतना जोर मत डाल, वो सब कुछ मैं संभाल लूंगा और उसको अपनी दुल्हन बना के इस घर में लेके आऊंगा। बस तू देखता जा। क्या करने वाला है तू ऐसे? जो भी करूंगा बहुत सोच समझ के करूंगा, तू फिकर मत कर। देख ले आदिल, कोई गड़बड़ ना हो जाए। वैसे बड़ी मुश्किल से मामला स्टार्ट हुआ, मैं बता रहा हूँ। ये मेरी जिंदगी और मौत का मामला है मेरी जान, मैं कुछ गड़बड़ होने दूंगा क्या? बस मैंने सब कुछ सोच लिया है, बस कल अब्बा जी से बात करूंगा और उसके बाद सब डन कर दूंगा। यार तेरे अब्बा वैसे हैं तुझ पे बहुत मेहरबान, तेरी जायज नाजायज हर बात मान लेते हैं। वो इसलिए कि मैं उनका लकी बच्चा हूं। ये सब क्या है? तुम मेरी आदतें बिगाड़ दो। क्यों, क्या हुआ? ये सब काम मैं वहां खुद करता हूँ, अपने कपड़े खुद धोता हूँ, अपनी शर्ट्स खुद इस्त्री करता हूँ, अपने शूज खुद पॉलिश करता हूँ। यहाँ ये सब काम तुम मुझे करके दोगी तो मेरी आदत तो बिगड़ेगी ना। कोई नहीं बिगड़ती आदतें बादतें, इसी बहाने तुम हमें मिस तो करोगे। हाँ भाई वाकई इस बार मिस तो बहुत करूंगा। वैसे एक काम हो सकता। वो क्या? वो ये कि मैं सोच रहा हूँ कि शादी करूँ, इस तरह मेरे सारे काम भी हो जाया करेंगे, पैसे की भी बचत होगी और टाइम की। स्वीटी तुमने मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए, अब इसको अलमारी में भी लटका दो। तुम क्या समझते हो नोमी, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी? मैं तो अब तुम्हें जी कर दिखाऊंगी एक शानदार जिंदगी। मेरे बाप को जो दुख तुमने दिया है इसका सारा करूंगी अब मैं। इतनी खुशी दूंगी उन्हें कि तुम्हारा नाम तक भूल जाएंगे, और मैं भी। Thank you.
सकते हो। अस्सलाम वालेकुम अब्बाजी। वालेकुम सलाम, ये क्या हो रहा है भाई? अब्बाजी वो नजदीक में पार्क है ना, वहां जॉगिंग करके आ रहा हूं। नजदीक में जो मस्जिद है उसमें तू नमाज पढ़ने तो कभी नहीं गया? हाँ उसमें तो तुम्हें अपनी वो कीमती नींद कुर्बान करनी पड़ती है ना, लेकिन आज ये कीमती नींद कुर्बान करके तू पार्क में चला गया जॉगिंग करने, क्या ये नमाज से ज्यादा जरूरी है? नहीं अब्बाजी वो मैं नमाज पढ़ के गया था। अच्छा, नमाज घर में और जॉगिंग पार्क में, वाह भाई अच्छा तरीका है। किसने कहा ये सब खुराफात करने को तुझे? किसी ने नहीं, कौन से कहेगा अब्बाजी, वो असल में वजन बहुत बढ़ गया था ना। क्या तुझे किसी बर दिखवे के लिए जाना है? नहीं अब्बा वो सेहत अच्छी होती है ना। ये सब नए जमाने के चोचले हैं, वजन कम करना है जॉगिंग करो जिम ज्वाइन करो। अरे सबसे अच्छी वर्जिश नमाज है, नमाज नमाज पढ़ो। जी अब्बा जी। जी अब्बा जी, सेहत खराब हो रही है मनुष्य उसका ख्याल है, आखबत खराब हो रही है उसका ख्याल नहीं है। नालायक बेहुदा। नोमी कहाँ है भाभी? अब वो एक दिन भी मिलने नहीं आया, ना हॉस्पिटल में ना घर में भी दिखाई नहीं दिया। छोड़ छपी भाई, उसके आने और ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पराए घर जाना है इसने, इसको सिखा, लड़कियों को माए तरबियत देती है, अच्छी बुरी बात बताती है, क्या ये चीजें भी मैं सिखाऊं? कमा के भी मैं लाऊं और ये चीजें भी मैं सिखाऊं? तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? सही, अलीजा के रिश्ते के लिए मैं भी बहुत परेशान हूँ।